अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ आपसे। मेरा ताल्लुक़ कराची से और मेरा नाम है इम्तियाज़ुल आरफ़ीन। मेरे पास ये कुछ पुरानी ब्रीड पड़ी हुई है, तकरीबन 40-45 साल थे जो मुझे होश है 40 साल, और ये माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। मेरे पास ये कबूतर है और मैंने इनको संभाल कर रखा हुआ है, नायाब कबूतर हैं ये। आप लोग इन कबूतरों को ज़रूर देखें और इनका बॉडी स्ट्रक्चर, इनका फ्लाइंग पैटर्न तो आप देख नहीं सकते उड़ाने के बग़ैर, लेकिन इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखें और इसको मौजूदा दौर के कबूतरों से भी कंपेयर करें। ये वो कबूतर हैं जो बगैर कुछ लिए दिए परफॉर्म करते हैं। तो मैंने कुछ अपनी वीडियो कबूतरों की बना करके, मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं अली गुजर साहब ना, उनका एक चैनल है फेयर पिजन क्लब, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि इम्तियाज़ भाई आप मुझे परमिशन दें, तो मैं आपकी, मैंने कहा भाई परमिशन है, आप लगाएं, लोगों को अवेयर करें कि ये मेरे पास जो पुरानी ब्रीड है इम्तियाज़ भाई के पास, ये उन्होंने, इम्तियाज़ भाई ने जो है इस ब्रीड को 40-45 साल हो गए इनको संभाल के रखी हुई है। तो आप लोग इसका शौक़ करें, और ज़ाहिर बात है मेरा चैनल तो है नहीं, अली भाई का चैनल है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं यूट्यूब के चैनल बनाऊँ और फिर उस पर लगाऊँ और लोगों के राय और मशवरे सुनूँ। अली भाई को शौक़ है और ये इनका काम भी है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मैं हमेशा ऐसी इससे आला आला मेरे पास कबूतर अच्छे हैं माशाल्लाह, मैं अक्सर बना करके अली भाई को भेजा करूँगा। आप उनके चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर दें, ताकि मुझ तक वो कमेंट आए। और अली भाई, ज़ाहिर बात है उनको दुनिया जानती है, उनके बहुत सारे जो है ना वो दोस्त अजीज़ व अकारीब हैं जो उनसे मुंसलिक हैं, तो वो इस शौक़ के ज़रिए शायद उनका शौक़ और बेहतर हो जाए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, इम्तियाज़ुल आरफ़ीन फ्रॉम कराची। ये काफ़ी पुरानी ब्रीड मेरे पास है, मेरा नाम इम्तियाज़ुल आरफ़ीन और मैं कराची से हूँ, और ये वीडियो मैं अली मोहम्मद गुजर साहब फाइन पिजन क्लब यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को इनके बारे में कुछ आगाही हो। ये मोती वाले कबूतर हैं, कबूतर एक हैं और नाम 10 हैं इनके। अब आप इनको, क्योंकि नायाब हैदर साहब एक दफ़ा उनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा सारे कबूतरों में जो है ना पुलथरे कबूतर मिले हुए हैं, तो वाकई वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, टेडी हो या चाहे कोई भी अच्छा टेडी इनके बगैर काम ही नहीं कर सकता। उनके बाद से मैं इतफाक़ करता हूँ, और ये वाकई ये कबूतर मेरे पास 40-45 साल से हैं और इससे आगे से भी हैं, जिनको मैं, मेरे पास जब से हैं ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कुछ वीडियोस बना रहा हूँ मैं अपने कबूतरों के, अली गुजर साहब के लिए, ताकि वो यूट्यूब, अपने यूट्यूब चैनल पे लगाएं और लोगों को कुछ कबूतरों के सनाशाही करवाएं। तो ये मेरे मोती वाले कबूतर हैं, लोग कुछ और कहते हैं, बहरहाल इनके 5-6 कलर हैं, इनमें जौनसा वाले भी कबूतर निकलते हैं और छत वाले भी इनसे ही बनते हैं। एक्चुअली ये हैं मोती वाले कबूतर, तो मैंने कुछ वीडियो बना करके मैं अपने दोस्त अली गुजर साहब के लिए पेश कर रहा हूँ, ताकि वो अपने यूट्यूब चैनल पे लगाएं और लोगों को कबूतरों की सनाशाही करवाएं। ये प्योरली कराची के कबूतर हैं, यहाँ हवा काफ़ी चलती है और अभी भी काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। ये इन कबूतरों के बच्चे, इनमें से कोई
छत वाला बनेगा और कुछ मोती वाले बनेंगे और कुछ क्या कहते हैं अल्लाह भला करे आपके मुख्तलिफ जो सियालकोटी ब्रीड है उनके सारी ब्रीड यही बनाते हैं और इन्हीं की सारी ब्रीड है मेरे पास। तो ये आप लोग शॉप पर हैं इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखें इनका पर देखें, असल है बॉडी स्ट्रक्चर कबूतर का ना। ये बच्चे उड़ते हैं माशाल्लाह, हवा में भी काफ़ी उड़ते हैं, बंद हवा में भी उड़ते हैं, गर्मी चाहे जितनी हो 48, 50 या 35 या 40 या हवा तेज़ हो, ये इसमें अपना टाइम पूरा करते हैं। ये देखें कबूतर, इनसे टेडी आप बना सकते हैं, जो चाहे इन कबूतरों से बन जाता है। ये बेसिक कबूतर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ये कुछ वीडियो अपने एक बहुत अज़ीज़ दोस्त हैं अली उस्ताद अली गुजर साहब, तो मैं उनके लिए कुछ वीडियोस बना रहा हूँ ताकि वो अपने यूट्यूब चैनल पे लगाएं और लोगों को आगाही दें। ये हैं मोती वाले कबूतर, इनका एक कलर तो ये है और आप इनका कलर देखें, इनके पंजे देखिए कबूतरों के, ये इसकी आँख है, आँख देखें, ये इसके पीछे मादा खड़ी है इसकी और ये इसके बच्चे हैं। इनका स्ट्रक्चर देखें, इनके पर देखें, देखें ताकि उड़ने वाला जो कबूतर होता है हर मौसम में जो उड़ने वाला कबूतर होता है वो स्ट्रक्चर वाइज देखें इसको। तो आप लोग अपना शौक करें, मैं इसकी थोड़ी सी क्लोज़अप वीडियो बना करके अली गुजर साहब को सेंड कर रहा हूँ। ये अलमारी वाले जिन्हें लोग कहते हैं, मैं तो इनको कसूरी कहता हूँ भाई, आप लोग क्या कहते हैं, कोई इमाम दीन कहता है, कोई साधना वाले कहते हैं इनको कोई, ये अलमारी वाले हैं, बच्चे भी ऐसे निकालता है ये जोड़ा मेरा। आप ये देखें अली गुजर साहब शॉप करें, मलिक मोहकम फोकर साहब कहते हैं इनको अलमारी वाले, ये प्योर हैं और ये बच्चे भी बिल्कुल यही निकालते हैं। इनको मैं कसूरी कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं उस्ताद अली मोहम्मद गुजर साहब, उनके चैनल के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना करके भेज रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसको देखें और शौक करें, शुक्रिया। ये मोती वाले कबूतर हैं, तो कबूतर एक हैं और नाम इनके 10 हैं। ये देखें मेन कबूतर यही है,
छोटी सी वीडियो मतलब फाइन पिजन क्लब के लिए बनाई है, ताकि वो अपने यूट्यूब चैनल पे लगाएं और लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं और ये बताएं कि कबूतर एक और नाम दस, ये मोती वाले कबूतर। ये कुछ बच्चे हैं उस्ताद अली मोहम्मद गुजर साहब, देखें ये कुछ बच्चे हैं, मैंने अभी इनको निकाला इनके खानों से। इनका स्ट्रक्चर देखें आप, इनके पर देखें, इनकी तख्तियां देखें। अभी अभी